और मेरे देश के नौजवानों, कैसे हो आप सब। तो दोस्तों, फाइनली डोमिनार 250 लॉन्च होने वाली है। पहले एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि बजाज पल्सर 250 को लॉन्च करेगा, लेकिन उन्होंने एकदम से सरप्राइज दिया है, क्योंकि पुणे के आसपास डोमिनार 250 की टेस्ट ड्राइव लेते समय लोगों ने इसको स्पॉट किया है और इसकी पिक्चर्स आपको यहां दिखाई दे रही होगी। अब कुछ भाई लोग सोच रहे होंगे कि भाई ये डोमिनार 400 BS6 की टेस्ट राइड होगी, ये कोई डोमिनार 250 नहीं है। तो ये डाउट भी मैं आप सभी का क्लियर करता हूं। पहला चेंज आप सभी को यहां दिखाई दे रहा होगा, वो है टायर। दोस्तों, इसका टायर डोमिनार 400 के टायर के मुकाबले पतला है, जो कि साफ साफ दिखाई दे रहा है। डोमिनार 400 में आपको 150 सेक्शन 60 का टायर मिलता है और इस बाइक में आपको शायद 130 सेक्शन 70 का टायर दिया है, जो ये बताता है कि ये डोमिनार 400 नहीं है। दूसरा चेंज है दोस्तों स्विंग आर्म। डोमिनार 400 में जो आपको स्विंग आर्म मिलता है वो इस बाइक में लगाया ही नहीं है। इसमें आपको NS200 का स्विंग आर्म मिलता है, क्योंकि ये स्विंग आर्म छोटे सेगमेंट की बाइक में ही आता है, और जो स्विंग आर्म डोमिनार 400 में आता है वो आपको हायर सेगमेंट की बाइक में ही देखने को मिलता है, क्योंकि उसकी क्वालिटी अच्छी होती है और वो कॉस्टली भी आता है। और दोस्तों, यहाँ पर डिस्क ब्रेक का साइज भी छोटा है डोमिनार 400 के डिस्क ब्रेक के साइज के मुकाबले। और एक चीज जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि टैंक पर तो आपको डोमिनार की ब्रांडिंग मिलती है, लेकिन पीछे आपको सीट के पास कोई भी बैजिंग नहीं मिलता है, जबकि डोमिनार 400 में आपको D400 की ब्रांडिंग मिलती है, लेकिन यहाँ पर कोई भी 3D बैजिंग नहीं है, जिससे ये पता चलता है कि ये 100% डोमिनार 400 नहीं है। और दोस्तों, ये सभी चेंजेस प्राइस कटिंग करने के लिए किए गए हैं, क्योंकि BS6 डोमिनार 400 के आने से उसका प्राइस 15,000 से 20,000 रुपये बढ़ जाएगा, इसलिए बजाज कंपनी इस बाइक का प्राइस कम से कम रखेगी। और दोस्तों, कुछ चेंजेस डोमिनार 400 से सिमिलर है, जैसे कि इसमें भी आपको USD फोक सस्पेंशन मिलेंगे और बाइक में आपको डुअल चैनल ABS मिलेगा, सिंगल चैनल ABS नहीं मिलेगा, जो कि अच्छी बात है। और सबसे अच्छी बात, लुक्स और डिजाइन में कोई भी छेड़खानी नहीं की गई है, सेम डोमिनार 400 जैसा लुक्स इस बाइक में आपको मिलेगा। और इंजन इसमें आपको मिलेगा 250cc का सिंगल सिलेंडर 4-स्ट्रोक लिक्विड कूल्ड FI BS6 इंजन विथ 6-स्पीड गियरबॉक्स, और इसकी एक्सपेक्टेड पावर होगी 26 bhp से लेकर 30 bhp तक, और इसका एक्सपेक्टेड टॉर्क होगा 23 न्यूटन मीटर का, और इसका जो एक्सपेक्टेड प्राइस है वो है 1,40,000 एक्स शोरूम दिल्ली, जो कि काफ़ी सही प्राइस है। 1,40,000 में आपको USD फोक सस्पेंशन मिलता है विथ डुअल चैनल ABS, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। बाकी दोस्तों, आप कमेंट बॉक्स पर ज़रूर बताइए कि आप डोमिनार 250 को लेना पसंद करोगे कि नहीं। तो उम्मीद है कि आप सभी को मेरी वीडियो पसंद आई होगी, और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके दबा दीजिए बेल आइकन, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए रोजाना ऐसी ही वीडियोस लाता रहता हूं। अभी के लिए थैंक्स।